एनर्जी में काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे। काइनेटिक एनर्जी हम पढ़ चुके हैं वर्क एनर्जी थ्योरम में, वर्क डन बाय नेट फोर्स। नेट फोर्स का मतलब क्या? वर्क डन बाय नेट फोर्स। नेट फोर्स का मतलब क्या है यहाँ पे? सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट। हमने देखा कि इसको करने के लिए हम हर एक इंडिविजुअल फोर्स के कारण वर्क डन निकाल के, हर एक इंडिविजुअल फोर्स, हर एक अलग अलग फोर्स के कारण वर्क डन निकाल के सबको जोड़ दे तो भी वो नेटवर्क आता है, और नेटवर्क हमेशा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। सही? तो वो तो काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए इसका मतलब नेटवर्क निकालना पड़ेगा। और दूसरा पार्ट आता है पोटेंशियल एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी पढ़ने के लिए कुछ खास नहीं है, नहीं बचा है, क्योंकि वो हम पढ़ चुके हैं। दूसरा पार्ट आता है पोटेंशियल एनर्जी। मैंने वर्क तो पोटेंशियल एनर्जी में भी निकलवा दिया है, बस थोड़ा सा स्मार्टिंग यहाँ पे कर दूंगा। जब पोटेंशियल एनर्जी आती है तो हम कई टाइप की पोटेंशियल एनर्जी अपनी फिजिक्स में पढ़ते हैं। जैसे इस चैप्टर में हम स्प्रिंग में पढ़ लेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ लेंगे, लेकिन आगे के चैप्टर्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी और पढ़ेंगे। ठीक? स्प्रिंग के अंदर मतलब वायर के अंदर पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे, जैसे स्ट्रेस स्ट्रेन वाला जो चैप्टर है उसमें भी हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे, वो भी स्प्रिंग की तरह काम करता है, वायर भी। मेरी बात समझ में? और भी कहीं आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी की बात आती है। सही? तो पोटेंशियल एनर्जी पढ़ना हमारा थोड़ा बड़ा पार्ट है। अब पोटेंशियल एनर्जी पढ़ना बड़ा पार्ट होने का मतलब ये है कि हम ब्रॉडली दो इस चैप्टर में पोटेंशियल एनर्जी पढ़ने वाले हैं, ब्रॉडली। बाकी मैं एक दो क्वेश्चन और करा दूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला, वो केवल इसलिए कि या करा दिया हूँ इसलिए कि वर्क निकालना हमें आ जाए, और वर्क निकालना अगर आ जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी कुछ भी नहीं। तो इस चैप्टर में हमारे पास दो कॉन्सेप्ट लगने वाला है, इस चैप्टर में मतलब हम दो पोटेंशियल एनर्जी पढ़ने वाले हैं, एक स्प्रिंग के अगेंस्ट और एक ग्रेविटेशन के अगेंस्ट। और ग्रेविटेशन के अगेंस्ट भी वो वाला जिसमें हाइट में चेंज बहुत कम हो, ऐसा हो कि जी वैरी ना करे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वैरी ना करे। याद रहेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वैरी करेगा तो कहाँ का पढ़ेंगे? ग्रेविटेशनल। तुम चाहोगे तो मैं दोनों यहाँ पे खत्म कर दूंगा, क्योंकि दोनों में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, एक फॉर्मल एक डेरिवेशन ही तो है। ठीक है ना? तो यहाँ पे देख लें इन लोगों ने क्या किया हुआ है। ये कंजर्वेटिव फोर्स, सेंट्रल फोर्स, ये सब कल बताया था ना पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। जो इन्होंने किया है मैं जल्दी से बता दूं बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा उस जगह होगी जहां पे दो बॉडीज आपस में इंटरैक्ट कर रही हैं। जैसे एक पत्थर तुमने ले लिया, उसके बगल में एक और पत्थर ले लिया, दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स नेग्लिजिबल है, उसको भूल जाओ। क्या कोई और फोर्स है इंटरेक्शन का? नहीं। एक पत्थर ले लिया, एक पत्थर ये ले लिया, दोनों के बीच में इंटरेक्शन का कोई जरिया है, कोई तरीका है? नहीं। तो अगर मैं इसको दूर रखूँ तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, और पास रखूँ तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, क्योंकि इनके बीच में इंटरेक्शन है नहीं है, इसलिए इनकी पोजीशन से इनकी एनर्जीज डिसाइड नहीं हो रही। दूसरे वर्ड्स में कहें तो क्योंकि इंटरेक्शन नहीं है इसलिए इनकी पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, अगर हम नेग्लिजिबल माने किसको? ग्रेविटेशन को। एक और एग्जाम्पल और है, एग्जाम्पल और है, सुनो, जबरदस्ती उठा दिया हूं। लग तो रहा है क्लास में अभी सोई रही हो तो। ठीक है, जगो। अब रियल गैस के मॉलिक्यूल्स और आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स, कुछ लोग थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं। रियल गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में इंटरैक्ट करते हैं, रियल गैस मानते हैं ना हम लोग, और आइडियल गैस के मॉलिक्यूल हम मानते हैं क्या? इंटरैक्ट नहीं करते। अब जब दो मॉलिक्यूल इंटरैक्ट नहीं करते तो उनकी पोजीशन पास हो या दूर हो क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क पड़ता है? इसका मतलब कि उसके वॉल्यूम को हम कम करें ज्यादा करें उससे उसकी एनर्जीज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जबकि रियल गैस में दोनों के बीच में एक स्प्रिंग बंधा हुआ है ऐसे मान के चलो। जब दोनों के बीच में स्प्रिंग बंधा हुआ, सारे मासेस के बीच में स्प्रिंग बंधा हुआ है ऐसा मान लो, जब तुम उसको दबाओगे यानी पूरे गैस के वॉल्यूम को कम करोगे तो मॉलिक्यूल भी आपस में कम होंगे, और मॉलिक्यूल आपस में कम होंगे तो उनके बीच की एनर्जी बढ़ेगी, है ना?
इसका मतलब रियल गैस की एनर्जी वॉल्यूम पे भी डिपेंड करेगी, जिसको हम प्रॉपर्टी के फॉर्म में स्पेसिफिक वॉल्यूम कह देते हैं। केमिस्ट्री में तुम लोग पढ़ते हो स्पेसिफिक वॉल्यूम ना, या डेंसिटी बोल देते हो। स्पेसिफिक वॉल्यूम का उल्टा डेंसिटी होता है, यानी डेंसिटी पे डिपेंड करेगी कौन, रियल गैस की एनर्जी। रियल गैस के मॉलिक्यूल की एनर्जी डेंसिटी पे डिपेंड करेगी, और टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, वो तो तुम जानते हो भाई। टेम्परेचर कारण वो उसका मूवमेंट डिसाइड होता है। टेम्परेचर कारण क्या डिसाइड होता है, मूवमेंट भाई। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, दो एनर्जीज, और काइनेटिक एनर्जी में मूवमेंट डिसाइड कर, मूवमेंट डिसाइड करता है काइनेटिक एनर्जी को, और पोटेंशियल एनर्जी को इंटरेक्शन डिसाइड करता है। अगर दो मॉलिक्यूल जबरदस्त इंटरेक्शन है और तुमने उनके डिस्टेंस को कम कर दिया तो क्या होगा, एनर्जी तेजी से चेंज होगी। और दो मॉलिक्यूल थोड़े मोटे इंटरेक्ट करें तो तुमने उनके डिस्टेंस को बदल दिया, एनर्जी नहीं बढ़ेगी ज़्यादा। यानी ये सब कुछ क्या है, इंटरेक्शन है। तो फिर से एक बार, रियल गैस के मॉलिक्यूल की जो एनर्जी है वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगी और वॉल्यूम पे भी डिपेंड करेगी। क्यों, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है काइनेटिक, और वॉल्यूम पे डिपेंड करता है पोटेंशियल। रियल गैस की जो एनर्जी है, अरे आइडियल गैस, ये तो रियल गैस की हो गई। आइडियल गैस की जो एनर्जी है, ये इंटरनल एनर्जी, मॉलिक्यूल की एनर्जी इंटरनल एनर्जी है ना की बात कर रहा हूँ, है ना। आइडियल गैस की जो एनर्जी है मॉलिक्यूल की, वो केवल और केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी, आपस में इंटरेक्शन पे डिपेंड नहीं करेगी। खत्म, कोई कन्फ्यूजन, याद रखना, क्लियर है बच्चों। तो ये पोटेंशियल एनर्जी जहां भी होगी वहां पे इंटरेक्शन जरूरी है। अब ये इंटरेक्शन कैसा हो सकता है, ग्रेविटेशनल हो सकता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जहां इन्वॉल्व है वहां पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जहां पे इन्वॉल्व है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, कोई और इन्वॉल्व है तो वो एनर्जी, बस कंजर्वेटिव होना चाहिए वो, यानी पाथ डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए वक्त, है ना। तो कंजर्वेटिव फोर्स होना चाहिए, जैसे हम मैग्नेटिज्म में भी, मेरी बात समझ में आ रही, सुन रहे हो तो याद रखना इसको। मैग्नेटिज्म में हम लोग पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं मैग्नेट का, याद करो, कुछ लोग जानते हैं पी कॉस थीटा माइनस टाइम्स, हम वो कंजर्वेटिव वहां पे नहीं है, मैग्नेटिक फोर्स कंजर्वेटिव नहीं होता, तो भी हम उसको कंजर्वेटिव की तरह मान के निकालते हैं और एज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि हमने उससे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा होता है वैसे ही, तो हम इजी के लिए कर लेते हैं, याद रहेगा। तो ये हो गया तुम्हारा। अच्छा, स्प्रिंग की एनर्जी क्या है, वो भी कंजर्वेटिव की तरह मानते हैं, स्प्रिंग फोर्स क्या मानते हैं, कंजर्वेटिव। स्ट्रेस स्ट्रेन वाला जो है एक वायर है, उसमें एक मास लटका दिया तो स्ट्रेच हो गया, वायर स्ट्रेच हुआ ना, वायर स्ट्रेच हुआ तो उनके बीच के मॉलिक्यूल्स आपस में स्प्रिंग इफेक्ट दिखा रहे, वहां पे भी कंजर्वेटिव फोर्स देखते हैं, जो मॉलिक्यूलर फोर्स है उसको कंजर्वेटिव की तरह देखते हैं, तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है, सही है। तो जहां भी कंजर्वेटिव इन्वॉल्व है वहां पे पोटेंशियल एनर्जी होती है, याद रहेगा। तो ये सब है, अब ये क्या कह रहा है, पढ़ लो फटाफट। बाय वर्चू ऑफ इट्स पोजीशन, एनर्जी जो वर्चू ऑफ इट्स पोजीशन है, क्या तुम्हें लगता है ये सही सेंटेंस है, ये सही तब है जब यहां पे क्या है, नाइन्थ में केवल इतना पढ़ा देता है कि एनर्जी बाय वर्चू ऑफ इट्स पोजीशन, वो नहीं बताता, क्योंकि बच्चों को नहीं पता कंजर्वेटिव क्या होता है, तो नाइन्थ में इतना पढ़ा देता वो गलत हो जाता है। तो बाय वर्चू ऑफ इट्स पोजीशन यानी रिलेटिव पोजीशन बोल सकते हो, या फील्ड की बात करो तो कहीं भी रखकर वो अलग बताए, जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, यानी एक फील्ड में उसकी पोजीशन पे डिपेंड करने वाली जो एनर्जी है उसी को हम क्या कह रहे हैं, सही है। अच्छा, ये रिलेटिव क्वांटिटी है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। जैसे अगर तुम कहते हो कि एक मास को मैंने यहां पर रखा टेबल पे, ये ग्राउंड है जो कि छत पे है मेरे, ये छत का ग्राउंड है, उसके ऊपर टेबल है, टेबल के ऊपर मास, ये ग्राउंड है और ये रोड है मेरा अर्थ, और कहीं अर्थ का सेंटर होगा, तो भाई इसकी एनर्जी हम लोग या तो जीरो बोलेंगे, अगर यहीं पे मैंने हाइट ले लिया, अगर यहाँ पे हाइट लिया तो एम जी एच वन कहेंगे, यहाँ पे हाइट लिया तो एम जी एच टू कहेंगे, सेंटर पे हाइट लिया तो कुछ और हो जाएगी, क्योंकि हाइट बहुत ज्यादा है इसलिए उसको मैं
नहीं मानते तो जी एम एन एम टू अपॉन आर स्क्वायर कहेंगे, आर करेंगे, माइनस एन याद है। इसका मतलब कि हम किसके रिस्पेक्ट में एनर्जी देख रहे हैं वो डिसाइड करेगा किसकी एनर्जी क्या है। मेरे वर्ड समझ में? मैं इसी के रिस्पेक्ट में देख रहा हूँ या इसके बेस के रिस्पेक्ट में देख रहा हूँ टेबल के, या ग्राउंड फ्लोर पे देख रहा हूँ, या उसके सेंटर से देख रहा हूँ, यानी ये सब क्या है? रिलेटिव है। क्या है? ये तो वही बोल रहा है, पोटेंशियल एनर्जी इज रिलेटिव क्वांटिटी। पोटेंशियल एनर्जी कहाँ के लिए डिफाइंड है? केवल मैंने कहा वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स, सुना क्या मैंने कहा? वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स अगेंस्ट कंजर्वेटिव, अगेंस्ट कंजर्वेटिव। तो केवल कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में बात करनी है, उसी के अगेंस्ट जो है वही है, बाकी सब जो गया वो बेकार। सही है? यानी मान लो ऐसा, मैं ऐसा बोल रहा हूं, मान लो यहां पे एक मास है, यहां पे स्प्रिंग है और यहां पे फ्रिक्शन है। मैं कोई फोर्स लगा के इसको दबाता हूं तो मेरा फोर्स दो जगह जा रहा है, स्प्रिंग को भी दबाने में और फ्रिक्शन के अगेंस्ट भी। तो पोटेंशियल एनर्जी कौन सी होगी? जो स्प्रिंग के अगेंस्ट है यानी कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट है, वो वही पोटेंशियल एनर्जी होगी, ये वाली नहीं होगी। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स अगेंस्ट कंजर्वेटिव इज पोटेंशियल एनर्जी नॉट फ्रिक्शन। क्लियर? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी एट एनी पोजीशन इज कंजर्वेटिव फोर्स, इन ए कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड इज डिफाइंड एज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। वही चीज जो मैंने कहा, समझ गए? एक्सटर्नल फोर्स के वर्क डन को ही क्या कहते हैं? अगेंस्ट कंजर्वेटिव पोटेंशियल एनर्जी में चेंज, और वो माइनस टाइम्स कंजर्वेटिव फोर्स के कारण वर्क डन के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि हम मान के चलते हैं कि हर समय कंजर्वेटिव फोर्स के साथ मेरा फोर्स क्या है? बैलेंस्ड, इक्विलिब्रियम में है। तो जितना फोर्स मैं करूंगा उतना ही फोर्स वो भी करेगा, बस मेरा प्लस होगा तो वो क्या होगा? माइनस, या मेरा माइनस होगा तो वो क्या होगा? प्लस। यानी या तो तुम कहो एक्सटर्नल फोर्स के कारण वर्क डन के बराबर होगा, या तुम कहो माइनस टाइम्स कंजर्वेटिव फोर्स के कारण के वर्क डन के बराबर होगा, माइनस टाइम्स कंजर्वेटिव फोर्स। सुनाई दिया? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी इन ए कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड इज इक्वल टू वर्क डन बाय, फिर वही प्रेजेंट पोजीशन टू रेफरेंस पोजीशन। ओके, इसका मतलब क्या है? मान लो ये स्प्रिंग है और मास है, तो ये उसका रेफरेंस पोजीशन है। रेफरेंस पोजीशन मतलब जहां पे हमने एनर्जी को जीरो माना है। अब उसको तुमने खींच दिया, खींच के यहां पे, तो यहां पे उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो यहां से यहां पे जाने में जो वर्क डन करेगा बॉडी, उसके एनर्जी के बराबर होगा। रह दिया? सही है। अरे बोलो, तो यहां से यहां तक जाने में जो वर्क करेगा उसके बराबर होगा। तो इधर से इधर जाने में कितना वर्क करेगा? kx, कितना डिस्प्लेसमेंट dx का क्या इंटीग्रेशन? बोलो बच्चों, का इंटीग्रेशन कर। क्लियर है सबको? भाई dx नेगेटिव आएगा ना, आएगा ना, और कहां से कहां तक ले जा रहे हैं? a से 0 तक, a से इंटीग्रेट करो kx स्क्वायर बाय 2 माइनस में, a से 0 तक लिमिट रखोगे तो ये माइनस है ना, a से 0 तक। बोलो बच्चों, पुट करोगे तो के ए स्क्वायर बाई 2, 0 से तक रखोगे तो प्लस आ जाएगा, वही इसकी इस जगह पे पोटेंशियल एनर्जी। सब कर चुके हम लोग, कल टेस्ट है ना, कल टेस्ट है, ध्यान दो, ध्यान दो, अभी तक सही चला है तुम्हारा मेरे ख्याल से ये चैप्टर, नहीं दो दिन से थोड़ा लापरवाही कर रही हूँ, चैप्टर तैयार होने दो, बढ़िया नहीं। ये सब तुम समझ रहे हो भाई, हमने क्या कहा? वर्क डन ही चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है ना, किसका वर्क डन? एक्सटर्नल फोर्स का। किसका वर्क डन? एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन। एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है? कंजर्वेटिव को माइनस टाइम्स। इसका जो वर्क डन है वही क्या है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। नहीं सर, आराम से
ये किसका फंक्शन है? एक्सटर्नल, जो कि कंजुगेट का उल्टा होता है, इनटू डीएक्स। तो ये एक्सटर्नल का फंक्शन है ना, वो किसके बराबर है? चेंज इन फंक्शन के बराबर जो है वो चेंज बड़े चेंज के बराबर होता है। तो अगर मैं एलिमेंट ये इंटीग्रेशन हटा दूं तो क्या ये डी यू होगा? डी यू, बोलो बच्चों। अरे भाई इंटीग्रेट करोगे तो टोटल वर्क आएगा, इंटीग्रेट नहीं करोगे तो छोटा सा वर्क आएगा। तो छोटा सा वर्क नहीं आएगा, तो छोटा सा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा ना, बोलो बोलो। इसका मतलब कि छोटा सा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा बच्चों? माइनस कंजर्वेटिव इनटू। तो अब ये डीएक्स हटाओ, यानी पोटेंशियल एनर्जी को डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस टाइम्स कंजर्वेटिव आएगा या प्लस टाइम्स एक्सटर्नल आएगा। लेकिन कई बार एक्सटर्नल नहीं लगाते हम लोग, मान लो स्प्रिंग मास सिस्टम में छोड़ दिया तो एक्सटर्नल कहाँ लगा रहे हो? तो अपने आप चला जा रहा है, इसलिए कई बार कंफ्यूजन होता है। इसलिए दोनों याद रखना जरूरी है, काम करो लेके एक्सटर्नल को, ठीक है? लेकिन कई बार एक्सटर्नल होता ही नहीं है तो हमें लगता है कि अरे यार एक्सटर्नल तो है ही नहीं, सर बताया कि एक्सटर्नल करंट वक्त है। जैसे मैंने कहा स्प्रिंग को खींच के और छोड़ दिया, अब स्प्रिंग को खींच के छोड़ दिया, अपने आप जा रहे हो, कंजर्वेटिव करंट, एक्सटर्नल है ही नहीं, दिख ही नहीं रहा उसमें। और मैंने कहा एक्सटर्नल के कारण वर्क डन होता है पोटेंशियल एनर्जी, तो तुम्हें क्या दिखेगा? एक्सटर्नल है ही नहीं, वर्क किससे निकालो? ऐसे किसी केस में तुम्हें दिमाग में क्या रखना है कि माइनस टाइम्स कंजर्वेटिव भी होता है, यानी कंजर्वेटिव कारण वर्क डन निकाल दो। समझ गया मैं क्या बोल रहा हूँ? तो पोटेंशियल एनर्जी का डिफ्रेंसिएशन माइनस टाइम्स कंजर्वेटिव होता है। सुनाई दिया? कहां से समझ में आता है? पोटेंशियल एनर्जी में भी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो। लेकिन जरा ये बताओ, टोटल एनर्जी हमेशा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होती है कि नहीं? अच्छा, तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया? टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी होगा कि नहीं? लेकिन काइनेटिक एनर्जी हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव। ये नेगेटिव हो सकती है क्या? हाफ एम स्क्वायर ना एम पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है ना बी नेगेटिव हो सकता है। तो ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो जब ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता तो ये हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होगा। एक जबरदस्त क्वेश्चन एनसीईआरटी में बना है, अब एनसीईआरटी में बना है तो तुम जानते हो जबरदस्त हो ही जाएगा। यानी टोटल एनर्जी कभी भी पोटेंशियल एनर्जी से कम तो नहीं हो सकता। यानी मैं अगर टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ खींचूं तो ये नहीं हो सकता कभी। क्यों? पोटेंशियल एनर्जी ने अभी टोटल एनर्जी को क्या कर दिया? यहाँ पे एक्सीड कर दिया। तो ये रीजन गड़बड़ है, ये नहीं हो सकता। सुने? एनसीईआरटी में दिया हुआ बढ़िया कॉन्सेप्ट इसका। तो बाकी रीजन हो सकता है, ये सही है, इधर सही है, लेकिन ये नहीं हो सकता बीच में। ये रीजन पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या है? समझ गए काइनेटिक एनर्जी क्या है? पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव। तो टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल हमेशा क्या रहेगी? पॉजिटिव। मेरी बात समझ में आई? बोलो बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव कब होगा? ग्रेविटेशन में तुमने देखा है पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होता है। जहां भी अट्रैक्शन फोर्स होगा, यानी ग्रेविटी फोर्स अट्रैक्टिव नेचर का होगा, वहां पे क्या होगा? नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि उस समय सिस्टम खुद वर्क करेगा क्या करने के लिए? उस दूसरे मास को एनर्जी देने के लिए। तो सिस्टम की एनर्जी घटेगी और पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की होती है। पोटेंशियल एनर्जी इंडिविजुअल की नहीं होती, पोटेंशियल एनर्जी किसकी होती है? सिस्टम की। क्यों? क्योंकि तो इंटरेक्शन की एनर्जी है ना, और इंटरेक्शन में कोई एक आदमी आएगा क्या? नहीं, इंटरेक्शन में दो लोग आएंगे, जिसके कारण और जिसके ऊपर। मेरी बात समझ में आती है? पक्का समझ में आती है उतनी जितना मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बोलो बोलो बच्चों, इंटरेक्शन दो लोगों में होता है, तो इसका मतलब कि तुम्हारी एनर्जी एक्चुअल तुम्हारी नहीं है, मेरी भी है। क्यों? मैंने ही तुम्हें इंटरेक्ट किया, तुमसे इंटरेक्ट किया। तो एक अर्थ है और एक मास है, तो मास को छोड़ दोगे तो वो चला आएगा नीचे, तो क्या अर्थ उसको खींचेगी? तो ये कोई तो वर्क कर रहा है ना, कौन वर्क कर रहा है? अर्थ वर्क अपनी एनर्जी लॉस कर रही है, तुम्हारी काइनेटिक एनर्जी की में बदल रही है, यानी अपनी एनर्जी खर्च करके तुम्हें काइनेटिक दे रही है। सुना दिया? तो पोटेंशियल एनर्जी तो कट ही रही है, किसकी? चाहे तुम अर्थ की बोलो चाहे मास की बोलो। क्यों? अर्थ की बोलो या मास की बोलो, क्यों? मास चला आ रहा है, तो उसको बोल के तुम ये भी तो कह सकते हो कि अर्थ चली आ रही है। सोचो,
ये अर्थ है और ये मास है, ये मास चला रहा है नीचे, हमें क्या पता, क्या पता अर्थ चली आ रही है ऊपर, क्योंकि यूनिवर्स में दो लोग हैं, सही है, और दोनों के बीच की डिस्टेंस घट रही है, तो आइंस्टीन की थ्योरी है ये, तुम नहीं बोल सकते कि मैं चल रहा हूँ कि पूरा यूनिवर्स चल रहा है ना, पढ़ा ना तुमने रिलेटिविटी का कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ा है, आइंस्टीन यहीं से तो शुरू हुआ था कि अगर दो लोग चल रहे हैं, मतलब एक चल रहा है और दूसरा रुका हुआ है, तो तुम चल रहे हो कि यूनिवर्स चल रहा है तुम बता नहीं सकते, ये दोनों एक ही चीज है, क्या पता तुम वही हो पूरा यूनिवर्स चला रहा है तुम्हारी तरफ, समझ में आया, ये कोई एक्सप्लेन नहीं है, डिफरेंशिएट नहीं कर सकता कि तुम चले कि यूनिवर्स चला, मेरी बात समझ में आई, कोई डिफरेंशिएट नहीं कर सकता, मैं फिर बोल रहा हूँ ये दोनों एक ही चीज है, तो छोड़ो वो अलग बात है, कुल मिला के बात ये है कि इसका मतलब ये चलाया तो उसकी काइनेटिक बढ़ गई, लेकिन पूरा यूनिवर्स चलाया तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, मेरी बात समझ में आई, यानी लेकिन लॉस तो पोटेंशियल एनर्जी हो गई, ये पक्का है, दोनों के पास आने से ग्रेविटेशन में लॉस हो गई पोटेंशियल एनर्जी, अब उसने किसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ाई, क्लियर नहीं, तुम किसको देख रहे हो उसके हिसाब से, समझ में आया बच्चों, अरे बोलो, तुम कहोगे कैसे नहीं पता सर, बड़ी तो काइनेटिक एनर्जी, तो मैं बता देता हूँ, इसका मास कितना होता है बच्चों, अर्थ का 10^24, इसका मास कितना होता है 10^24, अगर ये नीचे गिरा और तुम वो ना मान के ये ऊपर आया ये मान रहे हो, तो ये सिस्टम जो है ये दोनों मिलके एक सिस्टम बना रहे हैं, और एक सिस्टम में अगर इसका मोमेंटम भी नीचे है तो इसका भी मोमेंटम भी ऊपर होगा, मोमेंटम सेम होगा, अब ये जो पोटेंशियल एनर्जी का लॉस है वो किसके मोमेंटम किसको काइनेटिक एनर्जी दे रहा है, अगर ये जानना है इसको दे रहा है किसको, तो चलो इसको रेसिपी मान के उसको करेंगे, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m, मोमेंटम ऑफ 1/2m, ये तो चेंज का पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी बदला तो यही होगा ना, बोलो बच्चो, अरे बोलो, इसका मतलब कि जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हुआ वो किसको मिला, किसको मिला, अरे मोमेंटम फिक्स है, आराम से आराम से, दोनों का मोमेंटम सेम, तो जो चेंज आया अगर मैं वन में दे रहा हूं, वन में देख रहा हूं, वन की काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में देख रहा हूं तो ये आएगा, और टू की काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में देख रहा हूं तो पी तो सेम ही है ना बच्चों, लेकिन मास क्या है, ये इसलिए इसकी काइनेटिक एनर्जी नहीं दिखती हमें, क्योंकि मास 10^24 है, जबकि इसकी दिखती है 1 है, समझ गए, तो इसलिए पता नहीं चलता कि इसकी एनर्जी बढ़ गई, क्योंकि उसका मास इतना ज्यादा है कि उसकी एनर्जी बढ़ी, काइनेटिक तो उतनी बढ़ी लेकिन मोमेंटम नहीं दिख रहा है, मतलब तुम समझो मैं क्या बोल रहा हूं, दिख नहीं रहा वो मास ज्यादा होने के कारण, दिख नहीं रहा उसका मोशन, सुनाई दिया मैंने क्या कहा, इसका मतलब ये नहीं कि अर्थ चल नहीं रही है, अर्थ चल रही है, कितना चल रही है, मैं 1 kg चल रहा हूं तो वो कितना, वो 1 meter चल रही तो मैं कितना चल रहा हूं, नहीं नहीं मैं 1 meter चल रहा हूं तो वो कितना चल रही है, 10^24 1/2, अरे मैं 1 meter चला तो वो कितना चली, 10^24 1/2, इतना मीटर चली, इतना मैं दिखा नहीं चली, वो भी ऐसा नहीं हो सकता कि वो ना चले, क्योंकि मोमेंटम तो कदम रहेगा ना, सुना दिया मैंने क्या कहा, कहने का मतलब वापस कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन दोनों के जो इंटरेक्शन की एनर्जी है वो कम हुई, अब ये एनर्जी जो कम हुई वो इसको देना चाहते हो कि इसको देना चाहते हो वो तुम डिसाइड करो, तुम इसको देना चाहते हो तो उसको चलते हुए आने आते हुए मान लो कोई दिक्कत नहीं, बस ये कि वो दिखेगा नहीं तुमको, इतना कम है, और इसको रोक के इसको चलाओगे तो वो दिखेगा, इसलिए हम ये करते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि एनर्जी केवल इसको मिली उसको नहीं मिली, वो एनर्जी असल में इंटरेक्शन की है, वो दोनों की एनर्जी याद रहेगा, तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव नेगेटिव कब किस पर डिपेंड करेगा, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव, हम लोगों ने डिराइव किया था K^2 / R, डिराइव किया था एनर्जी का फॉर्मूला क्या था ना, वक्त निकाला था ना एक चार्ज के कारण इन्फिनिटी से ला रहे थे,
तो के क्यू वन क्यू टू अपन आ रहा है था, पॉजिटिव आया था। जब यूसी को अगर ये नेगेटिव कर दे उसको पॉजिटिव कर दे, अट्रैक्टिव हो जाएगा तो नेगेटिव आ जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि एक चार्ज क्यू है और दूसरा चार्ज स्मॉल क्यू है, तुम इनफिनिटी से ला रहे हो, तो इनके बीच में इंटरेक्शन की एनर्जी हो जाती है के क्यू क्यू अपॉन आर प्लस में। जबकि यहीं पे अगर माइनस रख दोगे तो फिर ये जो रिपल्सन कर रहा था तुम जब ऐसे ला रहे थे उसके लिए ये अट्रैक्शन करेगा और तुम धीरे धीरे लाओगे, अपने दोस्त को उतारोगे छत से, याद है? तो फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा? इसका मतलब अट्रैक्टिव नेचर अगर है तो पोटेंशियल एनर्जी कैसा होगा? नेगेटिव। और रिपल्सिव नेचर है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? पॉजिटिव। याद रहेगा? यहाँ पे ये बोलना चाहता आर बढ़ाने पे यू बढ़ेगा, अगर फोर्स कैसा होगा? अट्रैक्टिव। और आर घटाने पे यू घटेगा, अगर क्या होगा? समझ गए कहने का मतलब? ये देखो ये अर्थ है और ये अट्रैक्टिव नेचर का है ना? तो तुम आर बढ़ाओगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? बढ़ेगी। इसको तो तुम दुनिया में बस एक लाइन याद कर लो, ये इस चीज को समझने के लिए पूरी फिजिक्स में, सिस्टम को छोड़ने से कोई चीज स्पॉन्टेनियस हो रही है। स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप, क्या हिंदी में कहते हैं? स्वतः, अपने आप हो रही है, स्पॉन्टेनियस हो रही है, तो हमेशा उसकी एनर्जी घटेगी। ये याद करो, जैसे अर्थ है, एक मास है, उसको छोड़ने से अपने आप नीचे जा रहे हैं ना, तो एनर्जी घटेगी, तो फिर उल्टा ले जाने से बढ़ेगी, काम खत्म। तो ये सब जो ये लाइन लिखा है उसकी जगह तुम हमेशा ये हमेशा याद करो। ये पूरे सिस्टम की बात कर रहा हूँ, हर सिस्टम की बात कर रहा हूँ मैं, ध्यान रखना, पूरी फिजिक्स की बात कर रहा हूँ। जैसे अर्थ की, अरे इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड में तुमने डाइपोल रख दिया, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, तुमने छोड़ दिया, तो ये अपने आप फील्ड में आएगा ना? अगर अपने आप आएगा तो इसकी एनर्जी घटेगी, ये पक्का है। अब तुम जबरदस्ती करोगे तो एनर्जी बढ़ेगी, क्योंकि सिस्टम हमेशा अपनी एनर्जी घटाना चाहता है, तो वो अपना काम हमेशा क्या करेगा? एनर्जी का घटाने का काम करेगा। तो अपने आप स्पॉन्टेनियस आ रहा है तो एनर्जी घटेगी, ये पक्का है, याद रहेगा? फोर्स्ड है, तुम फोर्सफुली कर रहे हो तो एनर्जी बढ़ेगी। तो ये तो हमेशा लाइन याद रख लो, पूरी फिजिक्स की बात करो, कहीं पे भी बच्चों, ये बाउल है, तुमने एक मास को यहाँ पे छोड़ दिया, वो चुपचाप आके यहाँ पे रहना चाहेगा, क्योंकि वो अपनी एनर्जी घटाना चाहता है। तुम उसको उठा के ले जा रहे हो, तुम जबरदस्ती कर रहे हो, वो नहीं चाहता, तो एनर्जी बढ़ जाएगी। सुनाई दिया? तो पूरी फिजिक्स की बात कर रहा हूँ, पूरी फिजिक्स की। तुम बस कोई भी एनर्जी, जैसे बोलते हैं ना कि ये डाइपोल है, बच्चों थोड़ा ध्यान देना, ये डाइपोल है, एक दूसरे डाइपोल को मैंने यहाँ रख दिया, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। अब मैं पूछूं कि बताओ वो ये जो डाइपोल है वो क्लॉकवाइज घूमना शुरू होगा कि एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज, वन की टू। तो तुम क्या देखोगे? तुम देखोगे पता नहीं क्या क्वेश्चन है, मुझे तो आता ही नहीं है, तो मैंने पढ़ा ही नहीं। नहीं, तुम बस ये देखो कि छोड़ दूं अगर फ्रीली तो क्या होने वाला। तो ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक लाइन ऐसी होगी, बोलो? तो इलेक्ट्रिक लाइन ऐसी होगी तो पॉजिटिव चार्ज को धक्का देगा, नेगेटिव चार्ज को खींचेगा, यानी किधर जाएगा? सेल्फ अपने आप ऐसे जाएगा, काम खत्म। इसका मतलब क्लॉकवाइज घूमेगा, हो गए? तो बताओ इससे मैं एनर्जी मिनिमम है क्या? मिनिमम मतलब तो घूमता क्यों, इसका तो मिनिमम तो नहीं है। सुनाई दिया? इससे मैं एनर्जी मिनिमम है क्या? नहीं, मिनिमम मतलब तो घूमता क्यों, क्योंकि वो तो चाहता है मिनिमम हो जाए। अगर ऐसा रख दोगे तो अब नहीं घूमेगा, यानी अब क्या है एनर्जी? मिनिमम। तो अगर ये मिनिमम है, ये मिनिमम है, तो ये क्या है? थोड़ा ज्यादा है। अरे बोलो, ये क्या है? और ज्यादा है। ये क्या है? और ज्यादा है। ये क्या है? और ज्यादा। क्यों? जो वो चाहता है वो तुम उसे दूर ले जा रहे हो, और जो वो चाहता है उसे तुम अगर दूर ले जा रहे हो तो इसका मतलब उसकी एनर्जी बढ़ रही है। याद रखना, काम खत्म करो। अरे ये सब तो ऐसे ही आ जाते हैं भाई, ये तुम्हें नहीं लगता कि ये नहीं आया हुआ क्वेश्चन होगा? वो आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है भाई, आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है। एक डायपोल रख के दूसरे डायपोल को बोल रहा है कि किधर जाए, मैं तो केवल एक लाइन बोल रहा हूँ, आंख बंद करके एक लाइन, पूरी फिजिक्स में पूरे भर के, कोई भी सिस्टम अपने आप चला आ रहा है, कोई भी सिस्टम अपने आप, ये कंटेनर है पानी भरा हुआ है इतना, एक कंटेनर छोटा है बेचारा पानी भरा हुआ है इतना, दोनों को जोड़ दिया, पानी किधर जाएगा? वन से टू में कि टू से वन में? टू से वन में। क्यों? एनर्जी घटाएगा। कौन एनर्जी? अरे भाई यहां तक जो है उसकी कोई दिक्कत नहीं, इसके बराबर है।
जो एक्स्ट्रा है वो कहेगा, भैया ये लोग कम एनर्जी लेके बैठे हैं, मुझे काहे दिए वो ज्यादा। आदमी नहीं है वो कि मुझे ज्यादा चाहिए, वो कहेगा तुम ठीक है आराम से बैठे हो, मुझको टांग दिए ऊपर, मैं भी जाऊंगा तो जाके। मेरी बात समझे? तो इसका मतलब इस समय एनर्जी सिस्टम की क्या है, ज्यादा। और जब यहां पे आ जाएगा तो दोनों के सिस्टम की एनर्जी क्या हो जाएगी, कम, हमेशा, ये पक्का है। अब कोई बोले कितना कम, तो इस समय टोटल एनर्जी निकाल लो और बाद में टोटल एनर्जी निकाल लो, पोटेंशियल एनर्जी मैनेज कर दो, उतना वर्क हो जाएगा, उतना वर्क ग्रेविटी करेगी उसके ऊपर कम करने के लिए एनर्जी को, सही है। तो ये तो पूरी फिजिक्स की बात कर रहा हूं, एकदम दिमाग लगा लो कि अपने आप सेल्फ अगर कोई चीज जा रही है तो अपनी एनर्जी घटाने के लिए ही जा रही है। तुम फोर्सफुली ले जा रहे हो तो जबरदस्ती ले जा रहे हो, जबरदस्ती कर रहे हो, फोर्स जबरदस्ती लगा रहे हो, वो अपने आप नहीं चाहता, तो इसका मतलब तुम उसकी एनर्जी बढ़ा रहे हो, पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा हूं, ठीक है बच्चों। आर बढ़ाने से यू घटता है तो रिपल्सिव नेचर का होगा, नेचुरल है, सही ना। ये अभी आते हैं, क्वेश्चन करते हैं, थ्योरेटिकली खत्म कर लेते हैं ना। अभी जो मैंने बोला, इक्विलिब्रियम में भी हूं और स्टेबल भी हूं, क्या मजा है लाइफ का। कौन बोल रहा है? सिस्टम। आदमी नहीं बोल सकता, क्यों? इक्विलिब्रियम का मतलब कोई नेट फोर्स नहीं है। इक्विलिब्रियम का मतलब ये है, तो ये भी है और ये भी है, मुझे कोई टेंशन नहीं दुनिया की, कोई टेंशन नहीं, लेकिन भिखारी हूं और ये मस्त बाहर भी घूमने गया है ज्यादा एनर्जी लेके। तो इसके पास एनर्जी ज्यादा है, इक्विलिब्रियम में है, टेंशन फ्री। इसके पास एनर्जी कम है, टेंशन फ्री है, टेंशन फ्री मतलब नो फोर्स। तो टेंशन फ्री ये भी है, टेंशन फ्री ये भी है, लेकिन ये कम एनर्जी के साथ है, वो ज्यादा एनर्जी के साथ है। अरे बोलो, तो तुम्हें क्या लगता है, रिलायंस वाला सोता होगा? अरे सो जाएगा तो सो जाएगा, ये मत सोता होगा, रास्ते का कुत्ता मत सो रहा है, उसे किसी से लेना देना थोड़ी है क्या? नहीं ना। अरे मेरी बात समझ में? ये देखो सुकून से जी रहा है, इक्विलिब्रियम में भी है और टेंशन फ्री भी है। ये इक्विलिब्रियम में तो है, लेकिन भैया कहीं रात को सोते हुए थोड़ा सा पैर फिसला, खत्म, निपट जाएगा, अनिल अंबानी, समझ गए? अनिल अंबानी कौन है पता है? मुकेश अंबानी के भाई साहब है, उनका यही हो गया है, सही। जब वो दोनों लग हुए तो ऐसा था, बल्कि अनिल अंबानी ऐसे थे थोड़े से। फिर उसके बाद क्या हुआ है, इनकी सारी एनर्जी इसने चूस चूस ली, ये हो गया, ये खत्म हो गया। तो वो जेन्युइनली चूस ली, मतलब ये इनका आर कॉम था, जैसे आजकल है ना जियो और ये सब, तो ये आर कॉम था, यानी ये आर कॉम, आर कॉम। और ये उस समय बात हुई थी कि भैया हम स्टार्ट नहीं करेंगे ये सब, तो ये जीरो थे, कुछ थे ही नहीं, 6 साल का टेन्योर था कि मैं आपकी लाइन में नहीं घुसूंगा, लेकिन 6 साल तक ये नीचे नीचे जमीन खोद रहे थे, सही। 6 साल खत्म होते ही ये हो गए और वो खत्म हो गए, 6 साल तक ये छोटी छोटी दूसरी कंपनियों में क्या कर रहे थे, अपनी जियो फाइबर बिछा रहे थे बिना उनको बताए, किसी दूसरी कंपनी के नाम से, सही। क्योंकि बात ठीक हुई थी कि 6 साल तक हम आपकी लाइन में नहीं घुसेंगे, ठीक है, तो नहीं घुसेंगे, लेकिन फाइबर तो बिछा सकते हैं ना। जैसे ही 6 साल पूरा हुआ, इनकी जमीन पूरी खुद चुकी थी, किसी दूसरी कंपनी ने खोद ली थी और उस कंपनी को इन्होंने खरीद लिया, तो कंपनी पहले से खोद रही थी, वो जानबूझ के दिखाया ये कि मैंने 6 साल बाद देखो, उससे पहले तो
समझ गए? चलो ठीक है, क्योंकि ये क्या थे, चुपचाप सो रहे थे, आराम कर रहे थे, पर ये थोड़ी सी मेहनत कर रहे थे, तो बाकी तुम समझ रहे मैं क्या बोलना चाहता हूँ। फिलहाल तो इसका मतलब ये हुआ, तो अब बताओ बच्चों, अभी अभी हमने क्या देखा था, डी यू बाई डी एस क्या होता है, माइनस एम सेल्फ, यही होता है ना। तो डी यू बाई डी एक्स, डी एक्स अगर माइनस एम सेल्फ होता है तो इसका मतलब कि यू एक्स ग्राफ का जो स्लोप होगा वो माइनस फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा, माइनस प्लस बाद की बात है लेकिन फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा, यही ना। तो यहां पे स्लोप क्या है, बोलो बोलो, जीरो है, वहां स्लोप क्या है, और यहां पे भी स्लोप क्या है, और जहां पे स्लोप जीरो है वहां पे डी यू बाई डी एस क्या है, यानी फोर्स नहीं है, यानी टेंशन फ्री है। लेकिन ये टेंशन फ्री की रिजल्ट है बस, ये टेंशन फ्री है बस, लेकिन कितनी देर तक टेंशन फ्री रहेगा वो नहीं पता, टेंशन फ्री है। अब ये टेंशन फ्री दो टाइप का हो सकता है, मैंने कहा या तो ये या ये, ये भी हो सकता है टेंशन फ्री, ये लो। तो ये जो टेंशन फ्री है रिस्क की है, क्योंकि एनर्जी ज्यादा है उसकी, इसको कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में तो है टेंशन फ्री है, इक्विलिब्रियम में तो है, लेकिन कैसा है, अनस्टेबल। क्यों? सिस्टम चाहता है उसकी एनर्जी घटाना, और ये सिस्टम क्या है, ज्यादा एनर्जी के साथ बैठा हुआ है, ये टेंशन फ्री है लेकिन अनस्टेबल है, एनर्जी ज्यादा है, अनस्टेबल मतलब एनर्जी ज्यादा। ये भी टेंशन फ्री है, एनर्जी कम है, तो टेंशन फ्री है यानी फोर्स जीरो है, ठीक है स्लोप जीरो है, लेकिन एनर्जी क्या है, मिनिमम। तो ये क्या कहलाएगा बच्चों, स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल, और ये क्या होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और ये टेंशन फ्री ये भी है लेकिन ये न्यूट्रल है, क्यों, अरे तुम यहां रखो मुझे यहां रखो कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम जहां रखोगे वहीं पे मैं टेंशन फ्री रहूंगा, तो वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम कहलाएगा। तो अनस्टेबल, स्टेबल एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, सुनाई दिया? सही बच्चों? तो बताओ इसको चेक करना है मैथ्स में, कौन बताएगा क्या करूं, ये एनर्जी का ग्राफ है, सब पढ़े हैं, सबसे पहले du by dx को क्या कर दो, जीरो, उससे x आ जाएगा, बोलो उसका क्या करो, d square u by dx square क्या कर दो, पॉजिटिव, तो ये स्टेबल हो जाएगा, है ना, और नेगेटिव कर दोगे तो अनस्टेबल हो जाएगा, और जीरो हो जाएगा तो न्यूट्रल हो जाएगा, है ना, मेरी बात समझ में आई। तो स्टेबल अनस्टेबल चेक करने के लिए एनर्जी को क्या करना है, क्लियर हुआ, देख लो इतना से टाइम से देख लो बढ़िया से, स्टेबल अनस्टेबल में एनर्जी को क्या करना है ठीक से देख लो। ये नेगेटिव है तो मैक्सिमम होगा, पॉजिटिव हो तो, पॉजिटिव मतलब ऊपर ओपन है तो क्वाड्रेटिक ऊपर ओपन है तो ए पॉजिटिव होता है ना, तो इसका डबल डिफरेंशियल 2a आता है तो a पॉजिटिव होगा, जबकि यहां पे a क्या है, नेगेटिव, तो 2a नेगेटिव हो जाएगा, डबल डिफरेंशियल, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में 0 हो जाएगा, डबल डिफरेंशियल, सही, खत्म हो गई पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग का मैंने बता ही दिया था, बाकी आज कॉन्सेप्ट हो ही गया है, सही, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हो गया, ये खत्म है, एक कल एक दिन और करा दो बस काम। ठीक है बच्चों, कुछ समझा पाया हूँ, लेकिन ये भेजना है क्या, भेज देता हूँ।